किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन का प्रीमिक्स। जब प्रीमिक्स आप बना लेंगे तो उससे झटपट गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये एवरीडे का मिल्क पाउडर है। और हम लेंगे एक बड़ा चम्मच मैदा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच सूजी, इसको भी मिक्स कर देंगे। और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको भी डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। उसके बाद हम डालेंगे घी। घी हम इसलिए डालते हैं, इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी या ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जैसे मावा होता है उसमें अपनी चिकनाहट होती है, तो इसमें भी थोड़ी चिकनाहट रहे इसलिए डाला जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये हमें एक चम्मच डालना है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये गुलाब जामुन प्रीमिक्स बनकर तैयार है और इसको आप फ्रिज में एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। या तो आप इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखें या फिर जिप लॉक बैग में डालकर रखें। और जो हमने इसमें घी मिलाया है, अगर हम इसमें घी नहीं मिलाते हैं तो बिना घी मिलाए आप इसका जो पाउडर है उसको फ्रिज में 6 महीने तक भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और अगर आप इसमें घी नहीं मिलाते हैं तो जब आपको गुलाब जामुन बनाने हो तब हम घी मिला सकते हैं इसमें। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी जैसे हम आटे में हल्का सा मोयन लगाते हैं और आटा बिल्कुल भुरभुरा रहता है, उस तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो घी की स्मेल ज़्यादा आ जाएगी। और अब हम इसके बनाते हैं झटपट गुलाब जामुन। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे इस प्रीमिक्स से। तो उसके लिए हमें दूध लेना है, दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना हमें ठंडा लेना है ना ही गर्म या गुनगुना लेना है। और इसको हम चम्मच से डालेंगे, ये मैंने 3 चम्मच डाला है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। और जितनी नीड हमें दूध की लगेगी हम उतना ही डालेंगे। ये 3 या 4 चम्मच में आटा बनकर इसका तैयार हो जाएगा। तो देखिए बाइंडिंग आनी इसकी शुरू हो गई है और थोड़ा सा दूध हमें और लगेगा। बस इतना दूध डालेंगे हम, यानी हमने 4 चम्मच इसमें दूध डाला है। और इसी को हम अच्छे से गूंथते जाएंगे। ये रसगुल्ले के लिए स्मूथ डो बनकर तैयार है और इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। और इसको गूंदने में हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है, अच्छे से हमें इसे नीड करना है। और हमने आधा कप जो दूध लिया था वो धीरे धीरे इसमें सारा लग चुका है, तो अब हम इसको रख देते हैं एक तरफ। और अब बनाते हैं इसकी चाशनी। तो उसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं 1 कप चीनी और थोड़ी सी इलायची। इसमें हमने 1 कप चीनी ली थी और 1 कप ही हम पानी डालेंगे, यानी जितनी चीनी है उतना ही पानी डालेंगे। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम गैस पे रखेंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर रखेंगे और चलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व करेंगे। अब चीनी पानी में डिज़ोल्व हो गई है और अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे इसे उबालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इस डो को रखे हुए और अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम आधा डो ले लेंगे और उसको
जितना बड़ा गुलाब जामुन है उतने हम पेड़े तोड़ लेंगे। ये हमने रसगुल्ले के लिए गोले तैयार कर लिए हैं। जितने बड़े आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। मैंने ये मीडियम साइज के बनाए हैं और अब हम इन्हें धीमी आंच पे तलेंगे। तब तक हम अपनी चाशनी देख लेते हैं। चाशनी भी बनकर तैयार है। गैस को हम कर देते हैं बंद, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं रखनी है। किसी भी तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली चाशनी बनानी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चाशनी को आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा चाशनी को अलग लेंगे, किसी बर्तन में भी आप ले सकते हैं, और उसे थोड़ा ठंडा करें, गर्म नहीं लगानी है हमें। और उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरीके से चेक करके देखेंगे। बस स्टिकी होनी चाहिए हमारी उंगली और अंगूठा, बिल्कुल चिपचिपाना चाहिए, बस इतनी हमें चाशनी लेनी है। तो चाशनी बनकर तैयार है और अब हम रसगुल्ले तलेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला था और ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है हमें इसे। और आंच को हमें बिल्कुल सिम रखना है। और अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। और ऑयल की जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं। और जो हमने प्रीमिक्स बनाया था गुलाब जामुन का, उसमें भी हमने 1 चम्मच देसी घी डाला था। बस थोड़े थोड़े गुलाब जामुन तलेंगे, इतने ही हमने डाले हैं। और उन्हें बिल्कुल सेम आंच पर हम तलेंगे। और हमें इस तरीके से गुलाब जामुन को तलना है। बिल्कुल इनमें हमें चम्मच गुलाब जामुन में बिल्कुल भी नहीं टच करना है। इस तरीके से साइडों से करके हमें, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा आंच लग जाएगी तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें इस तरीके से धीरे धीरे से तलना है। और ये गुलाब जामुन तल कर तैयार है। अब इन्हें हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी, जब गुलाब जामुन चाशनी में डालें तब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, गुनगुनी चाशनी चाहिए हमको। अब चाशनी में हम फ्लेवर के लिए गुलाब जल और डाल देंगे। ये हमने 1/4 टीस्पून गुलाब जल लिया है, इसको भी हम चाशनी में डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम गुलाब जामुन डालेंगे इसमें। ये सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। और इतने डो में ये 12 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आपको जितने हिसाब से बनाने हैं आप डो को, या जो क्वांटिटी हमने बताई है उसको डबल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो। अब हम इनको 2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इन्हें सर्व करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और गुलाब जामुन बनकर तैयार है। और एक गुलाब जामुन हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है ये, और सॉफ्ट भी है। और इसको हम कट करते हैं। ये देखिए अंदर तक इसमें चाशनी जा चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसे बने हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।